कार्यवाहक से अभद्रता करने पर चौकी इंचार्ज सहित 3 निलंबित। मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र के ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी पर उस समय हंगामा मच गया जब चौकी इंचार्ज मोहित कुमार ने चौकी पहुंचे आरएसएस के नगर कार्यवाहक प्रमोद शर्मा से अभद्रता कर दी। आरएसएस कार्यवाहक नगर प्रमोद शर्मा के समर्थन में जब भाजपा विधायक चौकी पहुंचे तो चौकी इंचार्ज ने उन्हें भी सम्मान न देकर उल्टे सीधे जवाब दिए, जिसके विरोध में भाजपा विधायक आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ चौकी के आगे ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना जैसे ही आला अधिकारियों को मिली तब एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी ने चौकी इंचार्ज मोहित कुमार व 2 पुलिस कर्मियों सहित 3 को निलंबित कर दिया। मुरादाबाद के थाना पागबड़ा क्षेत्र के ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी इंचार्ज के ग्राम रतनपुरा में शिव मंदिर के आगे लगा एक पुराना पीपल का पेड़ बारिश के कारण कमजोर होने की वजह से गिर गया था, जिसकी वजह से गांव का रास्ता बंद हो गया था। वहीं मंदिर के पास रहने वाले आरएसएस कार्यकर्ता सोनू ने रास्ते में गिरे उस पेड़ की छटाई कर उसे हटाना शुरू कर दिया। इसी बीच ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी इंचार्ज मोहित कुमार अपने 2 हमराह पुलिसकर्मियों के साथ मंदिर के पास पहुंचा और सोनू को पकड़कर ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी में लाकर बिठा दिया। सोनू के पकड़े जाने की सूचना सोनू के परिजनों ने आरएसएस के नगर कार्यवाहक प्रमोद शर्मा को दी। प्रमोद शर्मा सोनू को छुड़ाने के लिए पहले थाना पागबड़ा पहुंचे, तब थाना अध्यक्ष पागबड़ा रजनी द्विवेदी ने आरएसएस के नगर कार्यवाहक प्रमोद शर्मा को ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी भेज दिया। जब आरएसएस के नगर कार्यवाहक प्रमोद शर्मा ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां मौजूद चौकी इंचार्ज ने प्रमोद शर्मा से अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिसकी जानकारी मुरादाबाद के कांठ तहसील से भाजपा विधायक राजेश कुमार चुन्नू को मिली। तब विधायक जी पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां मौजूद चौकी इंचार्ज ने विधायक जी को भी सम्मान न देकर उन्हें भी उल्टा सीधा जवाब दिया, जिसके विरोध में भाजपा विधायक राजेश चुन्नू आरएसएस पदाधिकारियों के साथ चौकी के आगे ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक के धरने पर बैठने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर तुरंत मौके पर पहुंच गए और विधायक जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक जी ने चौकी इंचार्ज व अभद्रता करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग रख दी। विधायक जी के साथ पुलिसकर्मियों की अभद्रता की जानकारी मिलने पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने विधायक जी के आरोप की जानकारी कराई। भाजपा विधायक के आरोप सत्य पाए जाने पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज मोहित कुमार सहित 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ा, ये था कि हमारे प्रमोद जी जो नगर कार्य पागबड़ा के नगर कार्यवाह है वो कहीं से आ रहे थे इधर से, तभी से यहाँ पुलिस ने उसने रोक दिया और पुलिस ने रोकने के बाद उनके कागज वागज जो कुछ चेक करने थे उन्होंने दिखा दिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि मैं संघ का आदमी हूँ, तो जो संबंधित थानेदार है उसने संघ को भी और तमाम गाड़ियाँ दी, उसने बैठाया और उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया और थाने में उन्हें बैठा लिया कि मैं तेरी संघ गिरी आज निकालता हूँ। बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, इसलिए हम सब लोगों को यहाँ आना पड़ा और हमें तत्काल प्रभाव क्या कार्रवाई रही इसमें? इसमें जो संबंधित थानेदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया। लगभग कितने घंटे तक ये मशक्कत करनी पड़ी है? मशक्कत करनी पड़ी लगभग हमें 2-2.5 घंटे। तो किस तरह की कार्यप्रणाली है पुलिस की अगर देखें तो? कार्यप्रणाली पुलिस की तो पहले से ये अब हम तो कह रहे हैं बराबर पुलिस की कार्यप्रणाली पे तो उंगली उठी रही है, लेकिन कुछ संबंधित थानेदार जो इस चौकी से थे उनका रवैया कुछ ज़्यादा ही खराब निकला, इसलिए हालांकि हम लोग ऐसा नहीं, क्योंकि हम पार्टी के लोग हैं, हम चाहते हैं सरकार में हमारी में ऐसा कुछ होगा अगर तो उसमें हमारी भी थोड़ी उसमें बदनामी होती है, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी की मजबूरी में हमें भी कदम उठाना पड़ा और हमने। अच्छा, इस दौरान कार्रवाई के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, दरी पर बैठना पड़ा आपको? दरी पर तो बैठ गए हम बाद में थोड़ा, लेकिन कप्तान साहब ने हमारे कहने से कर दिया था, कर दिया। जो घेराव किया है उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई और किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, थाना पागबड़ा क्षेत्र अंतर्गत चौकी SEZ के चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल के विरुद्ध शिकायत की गई थी, उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसकी जांच की गई, जांच में प्रथम दृष्टया उनका दोष पाया गया है, तो इसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल के निलंबन का आदेश जारी किया गया है। सर, इस दौरान लगभग 2 बजे से और अब तक ये लगातार कार्रवाई रही इसी मसले को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो घटनाक्रम था, घटनाक्रम के बारे में पहले चौकी प्रभारी ने जो कुछ एक्शन लिया थाना प्रभारी के संज्ञान में उन्होंने देखा, फिर जैसे जैसे हम लोगों तक बात आई फिर इसका जो है गहराई से इसकी समीक्षा की गई, जांच की गई, तो ये तथ्य सामने आए, इन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया इसमें क्या फाइनलाइज हुआ है? देखिए, अभी जांच जारी है, लेकिन जो जांच के मध्य प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए उसमें दोष परिलक्षित हुआ है।